गुलाबी का फूल करके श्रद्धांजलि अर्पित करना यही करते थे मोदी जी से पहले। हमारा भाग्य में यही था, मगर आज हम बदलाव स्थिति बदलाव किया है। आज पाकिस्तान का आईएसआई के गतिविधि देश में किधर भी नहीं दिखते। पहला पार्लियामेंट भी नहीं छोड़ा, पार्लियामेंट के ऊपर भी पाकिस्तान का आईएसआई के गतिविधि आतंकवाद आक्रमण किया है, अटैक किया है, टेररिस्ट अटैक किया। बॉम्बे में चलते हुए 7 ट्रेनों के ऊपर ब्लास्ट बस्ट करके हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल को हत्या किया है, ये पाकिस्तान के आतंकवाद। क्या नहीं किया है, सब कुछ किया है। जो पाकिस्तान में बैठने वाले, लाहौर में बैठने वाले, इस्लामाबाद में बैठने वाले पाकिस्तान में एएसआई के टेररिस्ट के नेता जो सोचते हैं, वो इधर ही भारत के अंदर जो भी शहर में, शहर में जो भी गांव में इंप्लीमेंट होना है, रिमोट कंट्रोल से इंप्लीमेंट होता था। आज स्थिति क्या है, जो पाकिस्तान हजारों हजारों रुपए खर्च करके भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का आईएसआई का गतिविधि के द्वारा, पाकिस्तान के आतंकवादों के द्वारा जो हमारा भारत के विरुद्ध जो कार्यक्रम करते थे, आज ऐसे पाकिस्तान क्या होगा। नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने पूरा खुला रूप से दुनिया को बता दिया है, ये पाकिस्तान टेररिस्ट को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान को आप जो भी देश हेल्प करते हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, वेपन्स के आधार पर असिस्टेंस हो, ये सिर्फ टेररिस्ट को प्रमोट करने वाला देश है। दुनिया के सामने हम कंगाल में खड़ा किया है नरेंद्र मोदी। आज आप देखते हैं कोई देश का ना मिनिस्टर हो ना अधिकार हो पाकिस्तान जाते हैं, कोई देश पाकिस्तान को कोई हेल्प नहीं करते, ना फाइनेंशियल हेल्प हो आम नेशन का हेल्प, कोई उस देश से संबंध नहीं रखते हैं। उसके कारण आज पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया के सामने भीख मांगने का स्थिति आया है। आज भारत की सरकार के कारण, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ये स्थिति लाए। फिर कांग्रेस पार्टी चाहते हैं कि पाकिस्तान का आईएसआई का मजबूत हो, भारत के अंदर फिर पाकिस्तान का आईएसआई का आतंकवाद को फिर शुरुआत करे, यही कांग्रेस पार्टी चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं बेशरम से, जो एनसी मैनिफेस्टो घोषणा करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने समझौता का चर्चा किया है, दिल्ली से राहुल गांधी आकर शेख अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला घर में बैठकर जो चर्चा करके गठबंधन का कायम किया है, मैं राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आज निर्णय किया है आर्टिकल 370 वापस ले, भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर से वापस ले देंगे, जो आतंकवाद का गतिविधि को प्रोत्साहित करते हुए हम टेररिस्टों को जेल के अंदर छोड़ देंगे,